आई एम जय। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। बिफोर क्लास स्टार्ट मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 ओवर द ग्रीन। यदि आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को देख सकते हैं जहां मैंने सारे वीडियो आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ओवर द ग्रीन एंड येलो राइस फील्ड, यानी हरे और पीले चावल के खेत में। स्वीप द शैडोज ऑफ द एटम, शरद ऋतु के बादलों की परछाई पड़ती है। शैडो मीन्स होता है परछाई, ऑटम मीन्स होता है शरद ऋतु। क्लाउड्स फॉलोड बाय द स्वाइप चेसिंग सन, यानी जिसके बाद तेज धूप का सामना करना पड़ता है। द बीज फॉरगेट टू सिप देयर हनी, सिप मीन्स होता है चाटना, मधुमक्खियाँ अपना शहद चाटना भूल जाती हैं। ड्रंक्ड विद द लाइट दे फुलिस होवर एंड हम, यानी प्रकाश से जो बस में, यानी जो उसके बस में हो जाती हैं, उसकी वजह से वो मूर्खतापूर्ण भनभनाती रहती हैं। द डक इन द आइसलैंड ऑफ द रिवर, बतख नदी के द्वीप में। क्लॉमर्स इन जॉय फॉर नथिंग, यानी वो कुछ ना करते हुए आनंदित रहती हैं। लेट नन गो बैक होम ब्रदर, यानी आज सुबह किसी को भी घर वापस नहीं जाने देंगे। दिस मॉर्निंग लेट नन गो बैक, यानी इस सुबह किसी को भी घर वापस जाने नहीं देंगे। लेट अस टेक द ब्लू स्काई बाय द स्ट्रॉम, तूफान और लू की जगह से जो आकाश है वो नीला आकाश जगह लेता है। एंड प्लंडर से वी रन, और जो हंसी बाढ़ में झाग की तरह हवा में तैरती है जो है ब्रदर। लेट्स अस स्क्वाडर अवर मॉर्निंग इन फिल्टर सॉन्ग, यानी भाई हम अपनी सुबह व्यर्थ के गीतों में गढ़ते हैं। तो ये थी जो पोएम, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जिसमें आपके लिए मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। ये कहते हैं कि हरे और पीले चावल के खेतों में शरद ऋतु के बादल की परछाई पड़ती है, जिसके बाद तेज धूप का सामना करना पड़ता है। मधुमक्खियाँ अपना शहद चाटना भूल जाती हैं। प्रकाश के बस में मूर्खतापूर्ण भनभनाती रहती हैं। बतख नदी के द्वीप में कुछ ना करते हुए भी इंजॉय करते हैं। आज सुबह किसी को भी घर वापस नहीं जाने देंगे, जैसे कि हम चलते हैं। तूफान और लू की जगह से नीला आकाश लेता है, और जो हंसी बाढ़ में झाग की तरह हवा तैरती है, जैसे आंधी होता है, आंधी या बाढ़, जो बाढ़ आता है उसमें क्या होता है, झाग की तरह हवा तैरती है। भाई हम अपनी सुबह व्यर्थ के गीतों में गढ़ते हैं। ये था उनका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है क्लास फिफ्थ का, मैंने सारे वीडियो एक्सप्लेन कर दिए। ये आपका सबसे एंड चैप्टर था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। आई होप यू इन्जॉय दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।